हरिद्वार के दौलतपुर गांव निवासी सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए बालिका दिवस के अवसर पर कल बाल मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा लिए गए इस फैसले की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। बाल मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के दौरान विधानसभा के कक्ष नंबर 120 में बाल विधानसभा भी आयोजित की जाएगी। बतौर मुख्यमंत्री सृष्टि प्रदेश के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगी। इसके लिए नामित विभाग के अधिकारी बाल विधानसभा में 5-5 मिनट की प्रस्तुति भी देंगे। सृष्टि ने यह अवसर दिए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। नमस्कार, मैं सृष्टि गोस्वामी, जिला हरिद्वार। मैं उत्तराखंड बाल विधानसभा की मुख्यमंत्री हूं, जिसका गठन प्लान इंडिया, राज्य बाल संरक्षण आयोग व श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम द्वारा किया गया है। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे एक दिन के लिए राज्य का मुख्यमंत्री बनने का अवसर बालिका दिवस पर मिला है। मैं इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूं। इस दिन विभिन्न विभाग मेरे सामने अपने कार्यों का प्रस्तुतिकरण करेंगे, जिसके बाद मैं उन्हें अपने सुझाव दूंगी। खासकर बालिकाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए सुझाव मैं उनको दूंगी। बाल मुख्यमंत्री के तौर पर सृष्टि के चुनाव पर उनके माता पिता बेहद खुश हैं। उन्हें अपनी बेटी की कामयाबी पर गर्व है। सृष्टि के पिता का कहना है कि दूसरे राज्यों को भी सरकार की इस पहल से प्रेरणा लेनी चाहिए। देश या पूरा राज्य भी इसका जो है एक उदाहरण है और वो इससे प्रेरणा ले, और इसमें मैं उत्तराखंड सरकार का भी बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चे को इस लायक समझा। वहीं सृष्टि की मां ने कहा कि आज बेटियां किसी से पीछे नहीं हैं, जरूरत है तो हर मोर्चे पर उनका हौसला बढ़ाने की। सर, बहुत गर्व फील हो रहा है, बेटियां सब कुछ कर सकती हैं, बस उनका खुल के साथ दीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए, बेटियां किसी से कम नहीं है। और इस दिन के लिए, इस अचीवमेंट के लिए सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारी बेटी को इस लायक समझा। देहरादून के 15 वर्षीय अनुराग रमोला को 26 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित करेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हर साल अलग अलग श्रेणियों में विशेष योग्यता रखने वाले बच्चों को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अनुराग को यह पुरस्कार कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाएगा। अनुराग मूल रूप से टिहरी के प्रतापनगर के रहने वाले हैं। उनकी उम्र केवल 15 वर्ष है, लेकिन अब तक अनुराग राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहित 235 से अधिक पुरस्कार अपने नाम कर चुके हैं। इस पुरस्कार के तहत अनुराग को मेडल, सर्टिफिकेट और 1,00,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। अनुराग रमोला ने बताया कि 26 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्हें वर्चुअल रूप से सम्मानित करेंगे। इससे पहले 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजेताओं से वर्चुअल माध्यम से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार 2021 का मुझे कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में पेंटिंग के लिए मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसमें मेरे नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड्स थे, जिसके लिए पूरे इंडिया में से सिलेक्शन हुआ मेरा इस पुरस्कार के लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ। बेटे को सम्मान मिलने पर परिवार में खुशी का माहौल है। अनुराग की प्रतिभा पर उनके पिता चैत सिंह रमोला गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अनुराग को बचपन से ही कला का शौक है। बचपन से इसको पेंटिंग का शौक रहा थी, और इसमें इसने लगभग आपके 250 के करीब अवार्ड जीत चुका है, और बस उसको बढ़िया, काफी अच्छा लग रहा है। आपको बता दें कि अनुराग देहरादून के केंद्रीय विद्यालय ONGC में 10वीं के छात्र हैं। कुछ समय पहले दिल्ली में आयोजित परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में भी वे शामिल हुए थे। तब अनुराग ने प्रधानमंत्री को अपनी पेंटिंग दिखाई थी, जिसे प्रधानमंत्री ने काफी सराहा था।